بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله भाई वाहराम मेहमान ने ग्राम कर और बतौर खास कराची से तशरीफ लाए हमारे मौजूद मेहमान मोहतरम जनाब इज्जत बाग प्रोफेसर मोहम्मद इरफान रिजवी साहेब जो कि बाकायदा तौर पर इस 15 रोजा कोर्स इल्मे तौकीद में लेक्चरर के फराइज सर अंजाम देंगे। इनके समेत तमाम तशरीफ लाने वाले मौजूद मेहमानों को जामिया फिलिया साहिबाल के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह साहिबाल की सरजमीन में जामिया फरीदिया को अल्लाह पाक ने ये एजाज बख्शा कि ये नहायत ही शानदार 15 रोजा कोर्स इल्मे तौकीद जिसकी मेजबानी का शर्फ जामिया फरीदिया के नाम हुआ और इंशाल्लाह इन 15 दिनों में वो कुछ सीख सकेंगे जो कि तौकीद के हवाला से नहायत ही जरूरी होगा। इसकी तफसील तो हमारे मौजूद मेहमान ही आपसे बयान करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहां जामिया फरीदिया को इस कोर्स का एजाज हासिल हुआ इसकी मेजबानी का शर्फ हासिल हुआ वहां यह भी मैं बताता चलूं कि रिसेंटली 24 नवंबर जमरात के दिन साहिबाल में जिले सतह पर महकमा औकाफ हुकूमत पंजाब की तरफ से मुकाबला हुस्न नात मुनाकिद हुआ जिसमें मुख्तलिफ मदारिस के तलबा ने शिरकत की। वो मुकाबला जब दो कैटागरीज पर मुश्तमिल थे 15 साल से कम उम्र बच्चों का अलग मुकाबला था और 15 से 25 साल के उम्र के तलबा का अलग मुकाबला था। तो उन दोनों मुकाबला जात में तीन तीन पोजीशनें थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र महसूस हो रहा है और रब्बुल जलाल का शुक्र अदा करते हुए किबला बाबा जी पीर अपन सर हजूर अहमद शाह साहेब दामत बरकातुल्लाह आलिया की दुआओं से अल्लाह पाक ने ये छह की छह पोजीशनें जामिया फरीदिया के नाम फरमाई। बात एजाजात से चली थी तो बस यही कहना चाहूंगा कि ऐ खुदा ई जामिया कायम खुदा फैज ई जारी शवत लैलो नहार और इसमें
यकीनन इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद होते जो कि हमारे मुरब्बी भी हैं, हमारे मोहसिन भी हैं और हमारे रहनुमा भी हैं, मेरी मुराद जामिया मकबूल अलमकुल उस्ताद उलमा अबुल फजला हुजूर किबला साहब जरवाला शान प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती पीर मोहम्मद मजहर फरीशाह साहेब दामत बरकात बना लिया, वो इन दिनों उमरा शरीफ के लिए हरमैन शरीफ में हाजिर हैं और इंशाल्लाह जल्दी आज वापस तशरीफ लाएंगे। बहरहाल उनकी दुआओं के नतीजा में अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को कामयाबी से अमकदार फरमाए। बिला ताकीद अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से आज इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं, जिसके लिए मैं दावा देना चाहूंगा जामिया फिरदिया सहवाल के मुदर्रिस मोहतरम जनाब उस्ताद उल्फाज हजरत मौलाना कारी मोहम्मद मुमताज फरीदी साहब। तशरीफ लाते हैं तलावत कलाम इलाही से आज के इस इल्मे तौकीद कोर्स का आगाज करें। كل يجري إلى
Amen.
तेरा करा तेरे दर्शन करा
फरवरी का महीना कभी 28 और कभी 29 का क्यों होता है? इस तरह के हम देखते हैं कि हर 4 साल के बाद जो है हम एक दिन फरवरी के महीने में इजाफा कर लेते हैं और फरवरी का महीना जो होता है ये 29 दिनों का किया जाता है। ये फरवरी में क्यों किया जाता है? ये बाकी महीने भी होते हैं हमारे पास, नवंबर क्या हो गया 30 दिन का होता है, इसके अलावा अप्रैल का ले लें 30 का होता है, उसमें 31 क्यों नहीं कर लिया जाता? ये फरवरी के महीने में ही हम 29 का एक दिन का इजाफा क्यों करते हैं? फिर ये 4 साल के बाद ये क्यों करते हैं? हम 10 साल के बाद 2 दिनों का इजाफा क्यों नहीं कर लेते? हम हर दूसरे साल क्यों नहीं इस तरह का सिलसिला कर लेते? या हमें 4 साल के बाद ही इसकी क्यों जरूरत महसूस होती है कि हम फरवरी में एक दिन का इजाफा कर लें? तो इंशाल्लाह आज जल्दी इसकी वजूहात बयान की जाएंगी। याद रखिए कि जमीन साकिन है, इसके बारे में होगी तफसीली गुफ्तगू। हमारी जितनी भी स्कूल कॉलेजेस की किताबें हैं, प्राइमरी क्लास से लेकर और हायर लेवल तक, यानी कि पीएचडी लेवल तक, उन सब में ये पढ़ाया जाता है कि जो दिन और रात बनते हैं ये जमीन की हरकत की वजह से बनते हैं। यानी जमीन जो है ये अपने मरकज के गिर्द यूं घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। बल्कि हकीकत क्या है कि जमीन साकिन है और सूरज इसके गिर्द घूमता है जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो इंशाल्लाह इसके हवाले से तफसीली गुफ्तगू होगी कि क्या जमीन जो है ये घूमती है या नहीं घूमती, क्या इस पर एक मुसलमान को क्या यकीन रखना चाहिए कि क्या दिन और रात जो बनते हैं ये सूरज के जमीन के गिर्द घूमने से बनते हैं या कि जमीन के अपने मरकज के गिर्द घूमने से बनते हैं। ये इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू होगी। आलमी घड़ी क्या चीज है और ये कैसे काम करती है? हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही टाइम राइज है, शायद अगर आपने गौर किया हो। फर्क क्या होता है? मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ घंटों का फर्क होता है। मिसाल के तौर पर हमारे इस वक्त अगर यहां पर टाइम जो है वो 8:05 हुए तो अरब शरीफ में 6:05 होंगे। यानी टाइमिंग पूरी दुनिया में 1 घंटे का फर्क आ गया, मुल्कों में 2 घंटे का फर्क आ गया, 3 घंटे का आ गया, लेकिन मिनट्स वगैरह पूरी दुनिया में कमोबेश उसी तरह। बाद मुल्कों में जिस तरह इंडिया का और हमारा 1/2 घंटे का फर्क है, तो हमारे यहाँ यहाँ 5 घंटे की घड़ी राय है तो वहां पर 5.5 घंटे की घड़ी राय है। तो यही फर्क होगा, यानी 1.5 का फर्क, या पूरी दुनिया में टाइम एक ही घड़ी जो है वो राइट है, जिसका टाइम हर मुल्क वालों ने क्या किया हुआ है कुछ घंटों के फर्क से, या कहने के 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, या 10.5 घंटे, 5.5 घंटे, 6.5 घंटे, जिस तरह बांग्लादेश का 6.5 घंटे का टाइम है। ये पूरी दुनिया में एक ही जो घड़ी राइट है इसको कहते हैं आलमी घड़ी। उस घड़ी से जो है हर मुल्क जो है अपना टाइम जो है वो कुछ मुख्तलिफ रखता है। इंशाल्लाह जब घड़ियों की बातें होंगी तो उसमें हम तफसील के साथ बात करेंगे। तो ये जो है ये आलमी घड़ी क्या होती है और ये कैसे काम करती है, इंशाल्लाह इसके ऊपर कलाम होगा। एक मुल्क के औकात दूसरे मुल्क के औकात से क्यों मुख्तलिफ होते हैं और कितने मुख्तलिफ होते हैं? जिस तरह के हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त 8:05 हुए हैं तो अरब शरीफ में 6:05 हुए होंगे, उनका हमसे 2 घंटे का फर्क है। इंडिया में हमसे कहने की इस वक्त 8:35 वहां पर हो चुके होंगे, हमारे यहाँ पे 8:05 हुए। इसी तरह बांग्लादेश का जो है वो हमसे गालिबन 1.5 घंटे का फर्क है। तो ये फर्क इस तरह क्यों है, किस वजह से ये फर्क होता है, यानी एक मुल्क की टाइमिंग जो है दूसरे मुल्क की टाइमिंग से क्यों मुख्तलिफ होती है? इसी तरह हमारे जब शाम के 5 बजते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में शाम के 5 बजते हैं तो इंग्लैंड में जो है वो दिन के 12 बजते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ये सारी इंशाल्लाह एक मुल्क के औकात जो है ये दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ क्यों होते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर कलाम होगा। बाद ममालिक में घड़ियां 1 घंटा आगे या पीछे क्यों की जाती हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं की जाती? शायद आपको मालूम होगा कि कुछ मुल्कों में ये टाइम आगे पीछे करने का सिलसिला होता है, पाकिस्तान में भी किया गया था, शायद आपकी तवज्जो हो जी, लेकिन अब नहीं किया जाता। वो क्यों नहीं किया जाता और जिन मुल्कों में अब भी राइज है वो क्यों राइज है, वो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम कलाम करेंगे। रमजान मुबारक कभी सर्दियों और कभी गर्मियों में क्यों आता है? जिस तरह की हम देखते हैं कि आज से 15 साल पहले जो हम रोजे रख रहे थे वो हम सर्दियों में रख रहे थे, आज 15 साल के बाद जो है अब हम जो है वो गर्मियों में रोजे रख रहे हैं। अब से 15 साल के बाद जो रमजान मुबारक होगा वो फिर सर्दियों में होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है कि रमजान मुबारक कभी सर्दियों और गर्मियों में क्यों आता है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी कलाम करेंगे। मकनातीस का तुरमान क्या चीज है और ये कैसे काम करता है? एक छोटी सी डिबिया सी होती है
जिसके जरिए हम ये पता करते हैं कि मशरिक मगरिब और शुमाल किस तरफ है। किबला नुमा भी कहा जाता है इसको, ठीक है, वो क्या है, कैसे काम करती है और वो चीज क्या है, इंशाल्लाह इसके ऊपर कलाम होगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा रोजा और सबसे छोटा रोजा कहां होगा? इस बार जो रमजान मुबारक था यहां पंजाब में, तो फिर सहरी का वक्त अगर किसी को याद हो तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 3:15 बजे के लगभग खत्म हो रहा था। है किसी को याद? 3:30 के लगभग जो था, लेकिन कराची में ऐसा नहीं था। कराची में हम बाद में सहरी का वक्त खत्म हो रहा था और वहां पे 4:15-4:30 बजे जो था ये फर्क था, यानी एक घंटा रोजा कराची में जो था ये छोटा था और आप लोग यहाँ पंजाब में जो रख रहे थे रोजा, ये एक घंटा कमो बेस जो था वो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ टाइमिंग थी, तो ये एक घंटा बड़ा रोजा आप रख रहे थे। आप बड़ा रोजा क्यों रख रहे थे और हम छोटा क्यों रख रहे थे, ये रोजा क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये इंशाल्लाह जल्द तफसील के साथ पर गुफ्तगु होगी। इसी तरह अगर हमारे पास कंपास ना हो जिसके जरिए वो छोटी सी डिबिया होती है जिसको कंपास या कुतुब नुमा भी कहते हैं, इसके जरिए हम ये पता करते हैं कि मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब किस तरफ है। अगर हमारे पास वो ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि मशरिक किस तरफ है, मगरिब किस तरफ है, शुमाल किस तरफ है, जुनूब किस तरफ है, तो ये इंशाल्लाह जल्द इस पर भी बात होगी। मस्जिद में अवेजा औकाते नमाज के नक्शे कैसे तैयार किए जाते हैं? हमारे नक्शा लगा होता है मस्जिदों में, इल्मे तौफीक की अहमियत सिर्फ इसी से आप अंदाजा लगा लें कि अगर कोई साहब हमें ये कह दें कि ये जो मस्जिद में नक्शा औकाते नमाज का लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है, तो हमारे पास क्या कोई तरीका है, कोई उसूल है, कुछ वायदे जवाबत हैं कि हम उसको साबित कर सकें कि ये नक्शा ठीक है? या अगर वो यही कहते हैं कि जो सहरी आपने ऐलान किया मौजन साहब ने, ये जिस वक्त खत्म सहरी का ऐलान किया है कि इन्होंने 10 मिनट लेट किया है, ये जो कैलेंडर में लिखा हुआ है ना 10 मिनट लेट लिखा हुआ है, वक्त पहले खत्म हो गया था, लोग जो 10 मिनट तक खाते रहे हैं वो उनके रोजे गए, अगर कोई साहब इस तरह कह दे तो क्या हमारे पास इसके जवाब देने में हमारे पास कोई मालूम है? या किसी को हो सारी बात में पूरे में तो मुझे भी जरूर बताइएगा, मैं भी सीखना चाहता हूं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसमें सीखेंगे कि औकाते नमाज के नक्शे कैसे बनाए जाते हैं, और कमोबेश हर कोर्स जो पिछले काफी महीनों से मैं करवा रहा हूं, हर कोर्स में ऐसे साहब जरूर मिले हैं कि उन्होंने नक्शा कोर्स के एंड में बनाकर चेक करवाया है किसी एक महीने का कि ये हमने नक्शा बनाया, तो इसी कोर्स से सीख कर बातें जो है उन्होंने नक्शा बना के चेक करवाया, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप भी बड़ी दिलचस्पी के साथ अजान हो इंशाल्लाह। औकाते नमाज के नक्शे बनाते वक्त क्या एहतियातें की जाती हैं? बुलंद इमारत और हवाई जहाज वाले रोजा देर से इफ्तार क्यों करेंगे? इस सवाल का जवाब तो आसान ही है कि रोजा इफ्तार करने के लिए सूरज का गुरूब होना जो है वो शर्त है, सूरज गुरूब होगा तो फिर ही आप रोजा इफ्तार करेंगे, तो जो जितनी ज्यादा बुलंदी के ऊपर होगा उसको सूरज ज्यादा देर तक नजर आता रहेगा, यानी आप नीचे हैं जो फर्श के ऊपर होगा
उसके लिए सूरज पहले गुरू हो जाएगा, जो जितना ज्यादा ऊंचा होता चला जाएगा उसके लिए सूरज उतनी देर बाद गुरू होगा, जो ज्यादा ऊंचा चला जाएगा वो ज्यादा देर, तो जो नीचे होगा उसके लिए वक्त इफ्तार पहले हो जाएगा, जो ऊंचा होगा उसके लिए वक्त इफ्तार बाद में होगा। तो ये आसान सा सवाल, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी होगी थोड़ी सी, और इसके बाद इंशाल्लाह हम जो इस कोर्स में सीखेंगे सूरज की मदद से सिक्के की किबला कैसे मालूम की जाए। सबसे पहले तो ये इसमें टॉपिक कोर्स की, एक तो सूरज की मदद से भी है, अगर हमें कोई ये कहते हैं, कोई साहब कोई कहते हैं कि ये जो मस्जिद आपकी बनी हुई है ये किबला रुख नहीं बनी हुई बल्कि किबला तो इस तरफ है, अगर कोई साहब हमारी मस्जिदों के बारे में कोई कह दे कि ये मस्जिद जो है ये किबला तो इस तरफ है ही नहीं जिधर साहिबान वाले नमाज पढ़ते हैं, वो तो इस तरफ है, तो क्या हमारे पास इसको कोई जवाब देने के लिए कुछ सबूत कुछ दलायल या कुछ ऐसी बातें हैं कि जिससे हम उसको चुप करा सकें या ये कह सकें या यही साबित कर सकें कि ये जो हमारी मस्जिद बनी हुई है ठीक बनी हुई है, या हमें कितनी मालूमात है? चले हम खुद जो नमाज पढ़ते हैं वो क्या हम सही किबला ही पढ़ते हैं? हमें कैसे पता चला कि किबला इसी तरफ है? है कि नहीं? हम बात तो इंशाल्लाह जब जल्द इसमें ये भी हम सीखेंगे, और जहां ये सवाल कि सूरज की मदद से सिमटे किबला कैसे मालूम की जाती है इंशाल्लाह ये सवाल होगा। दुनिया के किसी भी शहर के लिए सिमटे किबला मालूम करना सीखेंगे हम, घर और मस्जिद के लिए सिमटे किबला को कैसे चेक किया जाए ये इंशाल्लाह जब जल्द सीखेंगे। खाना काबा की छत पर किस रुख मुंह करकर नमाज पढ़ी जाएगी, यानी अगर हम खाना काबा की छत पे हो या खाना काबा के अंदर हो तो किस रुख मुंह करके नमाज पढ़ेंगे, यानी ये भी इंशाल्लाह जब जल्द सीखेंगे। मुड़ती हुई ट्रेन में किस रूप नमाज पढ़ी जाएगी, फिर बुर्ज क्या होते हैं, सुने होंगे बुर्जों के नाम आपने, बुर्ज हमल सौर जोजा वगैरह, सरतान अखबारों में भी एक पूरा वो बना होता है कि आपका बुर्ज कैसा दिन कैसा गुजरेगा आपका, तो इंशाल्लाह जब जल्द ये भी इसकी हकीकत आपके सामने आएगी कि बुर्ज क्या होते हैं जी। एक शहर के औकात नमाज दूसरे शहर से मुख्तलिफ क्यों होते हैं ये इंशाल्लाह सीखेंगे। जिस तरह की अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि कराची में जो फजर की नमाज का वक्त था गर्मियों में जब रमजान मुबारक था तो वो बाद में शुरू हो रहा था एक घंटा, पंजाब में एक घंटा पहले शुरू हो रहा था, यानी खतमे सहरी का वक्त का मतलब यही है ना कि फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, तो फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जब हो जाता है तो उसी वक्त खतमे सहरी है, वही टाइम एक ही टाइम है, तो आप कराची में जो है वो एक घंटे बाद जो है फजर की नमाज का वक्त शुरू हो रहा है, यहां पंजाब में या साहिबाल में कह रहे हैं कि एक घंटा पहले नमाज फजर का वक्त शुरू हो रहा है, तो इसका क्या मतलब कि औकात नमाज में फर्क है, ये फर्क है तो क्यों फर्क है, मुख्तलिफ शहरों के औकात जो है ये क्यों फर्क आता है इनमें, और ये कितना कितना आता है, कब कब आएगा, कैसे कैसे आएगा, ये इंशाल्लाह हम इसको सीखेंगे। क्या एक शहर के औकात नमाज से दूसरे शहर के औकात निकाले जा सकते हैं? आपने ये भी देखा होगा कि वक्त इफ्तार अगर किसी को याद हो तो रमजान मुबारक में जो इफ्तारी हो रही थी वो कमोबेश कराची और यहां साहिबाल की कमोबेश चंद मिनटों का फर्क था, 10 मिनट का फर्क था, लेकिन सहरी में एक घंटे का फर्क था, यानी दोनों में फर्क है वो यकसा नहीं है कि अगर इफ्तारी एक घंटा बाद है तो सहरी भी एक घंटा बाद, एक घंटे का फर्क सहरी में भी होता है और इफ्तारी में भी होता, ऐसा नहीं है, कभी फर्क कुछ होगा कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, तो ये क्यों होता है, क्या एक शहर के औकात नमाज के कैलेंडर से हम दूसरे शहर के औकात नमाज का कैलेंडर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, मिसाल के तौर पर हमारे पास साहिबाल का हो तो क्या साहिबाल के कैलेंडर से हम मुल्तान का कैलेंडर बना सकते हैं औकात नमाज का कैलेंडर, क्या हम लाहौर के कैलेंडर से साहिबाल का बना सकते हैं, क्या बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, किन शहरों का बनाया जा सकता है तो क्यों बनाया जा सकता है, ये इंशाल्लाह जब जल्द इसमें सीखेंगे हम। क्या एक शहर के औकात नमाज से दूसरे शहर के औकात निकाले जा सकते हैं, वो कौन से मकामात हैं जहां पर इशा का वक्त नहीं आता, दुनिया में ऐसे भी खत्ते हैं ऐसे भी शहर हैं जहां पर इशा की नमाज का वक्त ही नहीं आता, इशा की नमाज का वक्त क्या होता है, मगरिब के बाद जो आपको रोशनी नजर आ रही होती है सूरज की वो जब खत्म हो जाती है अंधेरा छा जाता है तो फिर इशा की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, तो वहां पर वो अंधेरा जो है वो आता ही नहीं है बल्कि क्या होता है कि फजर की नमाज के वक्त हमें रोशनी नजर आ रही होती है वो रोशनी होती है सूरज निकल आता है, यानी कहने के वो वहां पर सूरज इतना नीचे जाता ही नहीं है कि वो रोशनी यानी अंधेरा बने, बल्कि वो जो रोशनी मगरिब के बाद हमें नजर आती है या नमाज फजर के बाद जो है सूरज शुरू होने से पहले जो रोशनी होती है वही रोशनी रहती है, अंधेरा आता ही नहीं है, तो
सुबह ईशा की नमाज का वक्त नहीं आता, वो क्यों नहीं आता, वो किन दिनों में नहीं आता, वो कौन सी जगह होगी जहां पर ऐसा होगा, ये इंशाल्लाह इस कोर्स में हम सीखेंगे। सहर इफ्तार फजर जोहर असर मगरिब ईशा के वक्त किस दिन कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड पे शुरू होता है, ये इंशाल्लाह निकालना सीखेंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुर रहमान औकात सहर इफ्तार में क्या इख्तियार फरमाते, इमाम अहले सुन्नत ने इल्म तौहीद किस किस को सिखाया, ये इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल हम सीखेंगे। आला हज़रत किस साहब के नक्शों पर एतमाद करते थे, इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल ये सीखेंगे हम। और इमाम अहले सुन्नत इल्म तौहीद में कितने माहिर थे, इमाम अहले सुन्नत इल्म तौहीद में इतने माहिर थे कि आप दिन के वक्त सूरज को देखकर और रात के वक्त में सितारों और चांद वगैरह को देखकर आप टाइम बता दिया करते थे, घड़ी का वक्त बता दिया करते थे, और वक्त वो इतना दुरुस्त होता था कि मिनटों में ठीक होता था। ये इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान की इस फन में फलकियात में इतनी ज्यादा महारत आपको हासिल थी जी। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो सीखेंगे कि 786 और 92 कैसे बनता है, लिखा भी होगा आपने कई बार 786, लिखा पढ़ा भी होगा 786, जगह जगह हम बिस्मिल्लाह की जगह पे ये जो है लिखते हैं बाजू का, तो ये क्यों लिखते हैं, ये कैसे बनता है, ये इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल सीखेंगे। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण कब और कैसे होता है, ये इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल इसके ऊपर तफसीली बात होगी। क्या 27-28 को रोयत हिलाल हो सकती है, यानी हम देखते हैं कि इस्लामी महीना जो है ये या तो 29 का होता है या 30 का होता है, 27 या 28 को चांद क्यों नजर नहीं आता, या क्या नजर आ सकता है कि नहीं आ सकता, अगर नहीं आता तो क्यों नहीं आता, इस्लामी महीना जो है ये 27 या 28 का क्यों नहीं हो जाता, ये इंशाल्लाह इसके ऊपर कलाम होगा। और फिर मशहूरों पर सवाल कि पेशावर वालों को चांद जो है ये 1-2 दिन पहले कैसे नजर आता है, ये मसला जो हमारा बनता है पेशावर वालों के साथ ये क्यों बनता है, ये इंशाल्लाह इसके ऊपर भी कलाम होगा। सऊदी अरेबिया में इस्लामी महीने की यकम 1-2 दिन पहले कैसे हो जाती है, जिस तरह के हम हमेशा से देखते चले आ रहे हैं कि अक्सर देखने में आया है कि सऊदी अरब में क्या होता है कि वो यकम उनकी इस्लामी महीने की पहली जो है वो 1 या 2 दिन वो पहले करते हैं। इस बार आपने छोटी ईद के मौके पर आपने देखा होगा कि हमारी और उनकी ईद इकट्ठी हुई, याद है छोटी ईद पे हमने ईद इकट्ठी की थी, वो क्यों की थी, ये ऐसा क्यों हुआ था, ये इंशाल्लाह अज्ज हम सीखेंगे। और फिर किस ईसवी तारीख को कौन सी इस्लामी तारीख होगी, इंशाल्लाह अज्ज वजल ये भी सीखेंगे। और भी इसके अलावा बहुत कुछ होगा, मिसाल के तौर पर ये भी होगा इस कोर्स में कि जो 29 तारीख को चांद के नजर आने की पेशन गोई की जाती है ना, वो कैसे की जाती है, इंशाल्लाह अज्ज वजल आप खुद बता सका करेंगे कि 29 तारीख को चांद नजर आएगा कि नहीं आएगा, यानी इस्लामी महीना 29 का हुआ कि नहीं हुआ, इंशाल्लाह। और फिर इसमें मैं और छोटी छोटी बातें जो है वो आपको मजीद आपके सामने रखता हूँ, फिर नमाज का टाइम है 8:30 बजे, फिर बाकी बातें इंशाल्लाह कल करेंगे। इतना कुछ आपने सीखना है और आज 1 दिन गुजर गया हमारा, 15 दिन थे ना तो अब 14 दिन रह गए, तो आपने एक काम जो करना है ये करना है कि आपने छुट्टी नहीं करनी, इसकी अहमियत तो आपको मैंने बता दिया है कि हमें ये नहीं पता कि जिस तरफ हम किबला नमाज पढ़ते हैं इधर किबला है भी कि नहीं है, जिस कैलेंडर को हम फॉलो कर रहे हैं कि क्या उसका टाइम ठीक है भी कि नहीं है, या कहने कि हम क्यों कर रहे हैं इसको फॉलो, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये क्या है, इसके असूल कायदे जवाबत क्या है, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। तो ये इंशाल्लाह अज्ज वजल एक तो आपने छुट्टी नहीं करनी, कल से ठीक 7:30 बजे लेक्चर शुरू हो जाएगा, तिलावत हम इससे पहले कर लेंगे, ठीक है। फिर क्योंकि ये कोर्स जो है ये बहुत अहम है, बहुत अहम है, और ये बिल्कुल आम फहम होगा, और आप हर उम्र के जो लोग हैं वो इसमें शिरकत के अहल हैं, आप जिसको भी लाना चाहें, जो दोस्त अहबाब आप नहीं आए उनको आप दावत देकर जरूर लाएं, और कह लें कि 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे से लेकर कह लें कि बड़ी उम्र के हमारे बुजुर्गों तक सभी इस कोर्स में आ सकते हैं, पढ़े हुए हों ना पढ़े हुए जो भी आप इंशाल्लाह वो कोर्स में आते रहेंगे ना वो जरूर आपको बाद में कहेंगे यार आपने बहुत एहसान किया मुझे जो है ना आप इस कोर्स में ले, ठीक है। पाबंदी के साथ जो शरीक होते रहेंगे उनके लिए इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आखिर में स्नातक सिलसिला भी होगा कि जिन्होंने छुट्टी नहीं की होगी इंशाल्लाह अज़्ज़वजल उनको जो आखिरी हमारी तकरीब तकसीम स्नातक सिलसिला होगा उसमें इंशाल्लाह हम ये भी करेंगे। पहला हफ्ता जो होता है हमारा इस कोर्स में उसमें हम फलकियात की बातें करते हैं, चांद सूरज सितारे ये सारा कुछ जो है ना इसके ऊपर। दूसरा हफ्ता जो होता है उसमें हम जो करेंगे वो चांद के ऊपर गुफ्तगू करेंगे,
चांद हिजरी से ईस्वी इस्लामी महीने क्या होते हैं, ये छोटा बड़ा क्यों रहता है, चांद क्यों नजर आता है, क्यों नजर नहीं आता, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। फिर तीसरा हफ्ता जो हमारा होगा उसमें यानी आखिरी पांच दिन जो होंगे वो आखिरी पांच दिन में हम कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस का मतलब ये हिसाब किताब, टाइमिंग, कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड, कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड, कहां पे वक्त जोहर शुरू होगा, कहां पे वक्त फजर शुरू होगा, कहां पे। तो आखिरी दिन जब होंगे उसमें हमें फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी किताबें भी होगी इंशाल्लाह, जब जल्द जिनकी जरूरत होगी वो इंशाल्लाह आपको बता दी जाएगी और वो इंशाल्लाह यहाँ से कोशिश करेंगे कि वो अगर हो जाए तो वो अवेलेबल हो, यहाँ की फोटो कॉपीज हम यहाँ पे अवेलेबल करेंगे। अभी क्योंकि नमाज का टाइम होने को है तो आपसे मैं यही अर्ज करूंगा कि कल 7:30 बजे लेक्चर का आगाज हो जाएगा, आप यहाँ पे 7:30 से पहले कम अज कम 10 मिनट आप तशरीफ ले आए, क्योंकि यहाँ पे ईशा की जमात जो है वो बाद में होती है, जरा लेट होती है, तो आप यही रखें कि ईशा की नमाज आप यहाँ पर पढ़ें। सवाल आपकी बिल्कुल इजाजत होगी, इस फन के ऊपर आप जितने क्वेश्चंस करना चाहें, जो कुछ भी पूछना चाहें वो बिल्कुल आप करें, लेकिन दौरान लेक्चर इसकी इजाजत नहीं होगी। दौरान लेक्चर इस वजह से इजाजत नहीं रखी कि फिर जो इतने सारे मौजूद हैं ना वो हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, उस सवाल के जवाब को देने में हो सकता है 5 मिनट या 10 मिनट लग जाए, तो जो चीजें जो है इस सवाल को मैंने आपको बताना है समझाना है तो वो फिर रह जाएंगे। तो जब यहाँ से फारग हो जाएंगे लेक्चर के बाद, सलातो सलाम के बाद में इंशाल्लाह आपके पास हाजिर होगा, आप जो कुछ भी पूछना चाहें सीखना चाहें तो आप इसको आप पूछ सकेंगे। कोई समझ ना आए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी कि आप इस फन के ऊपर जहां से आप मालूमात लेना चाहें आप लें। मिसाल के तौर पर जो हमारे चार जो चीजें होंगी वो ज्यादा जेरे बहस आएंगी, एक सूरज हमारा जेरे बहस आएगा क्योंकि उससे हमारा जो है वो औकाते नमाज है, चांद आएगा क्योंकि उससे हमारे इस्लामी महीने हैं, एक सूरज आ गया एक चांद, तीसरा हमारा आएगा जमीन कि हम जमीन पे कहां पर खड़े हों तो चांद नजर आएगा, कहां पर हो चांद नजर नहीं आएगा, यानी जमीन के किस हिस्से में, यानी कराची में है, लाहौर में है, दुबई में है, इंग्लैंड में है, कहीं पर, यानी जमीन हमारा जो है ना वो गुफ्तगू में आएगी। फिर उसके बाद चौथी चीज जो आएगी वो हमारी होगी घड़ी, यानी कितने बजकर कितने मिनट, और इन चारों चीजों का ताल्लुक हम आपस में पढ़ेंगे। इसकी मालूमात आप जहां से किताबों से हासिल करना चाहें किताबों से हासिल करें, नेट से हासिल करें, जहां से भी आप ले सकते हैं आप लें। सोशल मीडिया है, जदीद मोबाइल है, इनकी व्हाट्सएप वगैरह यानी कहने की वो है मुख्तलिफ एप्लीकेशन होती है वहां से आप लें। जो भी आप क्वेश्चन करना चाहें इस फन से मुतलका इंशाल्लाह मैं आपके पास हाजिर होगा, आप करें, मैं भी आपसे सीखने के लिए आया हूँ, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक शुरू में नदीम भाई ने बात की थी कि प्रोफेसर मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, ठीक है, मेरी इस कहने के शोबे में दिलचस्पी थी तो मैंने इसमें काम करना शुरू किया, उलमा ने हुक्म दिया कि आप इस काम को जो इसमें सीखने सिखाने वाले कम हैं, टीचर्स कम हैं, हमें मिलते नहीं हैं, तो आप इस काम को आगे बढ़ाएं, इसको लेके आगे चलें ताकि हमारे पास जो है इस फन में जरा मजबूती आए। तो फिर ये कोर्सेज का सिलसिला किया, तो ये शुरू किया, तो फिर डॉक्टर साहब ने भी हुक्म दिया तो मैं यहाँ पे हाजिर हुआ। मैं कोई बकायदा प्रोफेसर नहीं हूँ, बस ये दिलचस्पी है। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया नईमिया कराची जो है मुफ्ती मुनीर रहमान साहब का जामिया है, वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर तखस्सुस यानी कि मुफ्तियाने किराम बनने के लिए वहाँ पर आते हैं, उनकी मेरे पास पीरियड्स होते हैं, वहाँ पर मैं यही फन पढ़ाता हूँ। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला जो कुछ सुना समझा सीखा इसको इस पर अमल करने की कोशिश करता फरमाए। कल को मैं उम्मीद रखूं कि आप सब ना सिर्फ खुद तशरीफ लाएंगे बल्कि दूसरों को भी लाएंगे, अपने साथ दो दो तीन तीन चार चार साथियों को दोस्तों को कोई भी हो आप उनको लेके आए। ठीक है, एक घंटे का लेक्चर होगा, एक घंटे के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अगर किसी के सवाल हो तो आप बात भी कर सकते हैं। कल आपको रोल नंबर भी अलॉट कर दिए जाएंगे, ठीक है, तो कल आप जरूर वक्त से पहले तशरीफ ले जाइए इंशाल्लाह।